हाय फ्रेंड्स, हमारी जो मार्केट है वो टेंडन से रिलेटेड प्रोडक्ट से फ्लडेड है और हर ऑर्थोपेडिशंस आज टेंडन्स की प्रॉब्लम, टेंडन्स के वियर एंड टीयर के मैक्सिमम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। आफ्टर द फ्रैक्चर पेशेंट्स, आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस, टेंडन्स के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो टेंडन्स के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हमने अपने टेंडोजोन फोर्ट में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हम इसमें बात कर रहे हैं कि दैट रिड्यूसेस द डैमेज इन एंकल डिसऑर्डर। अब एंकल डिसऑर्डर क्या है? हमने जैसा कि डिस्कस किया था हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि एंकल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दिस इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द टेंडन, मेजर टेंडन एंड लिगामेंट्स। जब वो टेंडन वियर एंड टीयर करता है तो मोबिलिटी एंकल की डिसरप्ट हो जाती है। दूसरी चीज, फ्रोजन शोल्डर। जब हम फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर की शेप को देखते हैं, आपको जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फ्रोजन शोल्डर में जो मसल है और जो टेंडन है, बहुत बड़े साइज का टेंडन होता है इसमें। और इस जब टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वियर एंड टीयर हो जाती है, तो हमारा शोल्डर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता, मोबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो इस रीजन में जो पेशेंट्स में पेन शुरू हो जाती है, बहुत सीवियर पेन होती है, और यहाँ एक बहुत बड़ा टेंडन होता है, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जिसकी इंजरी के कारण ये पेन होती है। और टेंडनाइटिस अक्सर आपने देखा होगा कि एंकल में, रिस्ट में टेंडन्स के कारण मूवमेंट बहुत डिसरप्ट हो जाती है। सो इन सब कंडीशंस में डॉक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढता है जो उसके पेशेंट के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट हो। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, किसी भी जॉइंट के स्ट्रक्चर को देखें, तो उस जॉइंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया, उस जॉइंट में दो बोन्स इस तरह से आपस में जुड़ती हैं। इस बोन के ऊपर में एक कैप्सूल रहता है। कैप्सूल को हम बोलते हैं साइनोवियल कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इनकी जो लाइनिंग है, इस बोन की, इन दो बोन्स की जो लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो बोन्स हैं मसल्स के साथ जिससे जुड़ी होती हैं, वो होती हैं टेंडन्स, और आपस में जो जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। सो हर जॉइंट में जो मेजर पार्ट्स हैं जॉइंट के, वो हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लोइड, टेंडन्स, लिगामेंट्स। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक जॉइंट की मोबिलिटी के लिए, जॉइंट की मूवमेंट के लिए। अगर इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ जाए तो मोबिलिटी सफर करेगी। अक्सर देखा गया है कि हैवी जॉइंट्स में, जैसे कि हमारे नी का जॉइंट है, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम किसकी आती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज की। कार्टिलेज जो है वो आपस में रगड़ खाकर घिस जाते हैं, और कार्टिलेज के घिसने से मोबिलिटी नी की हैम्पर हो जाती है। उस कंडीशन में डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट स्मॉलर जॉइंट्स जो हैं, जैसे कि शोल्डर का, दिस इज नॉट ए स्मॉल जॉइंट, बट इसमें वेट नहीं आता है ज्यादा। नी में वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज की वियर एंड टीयर ज्यादा होती है। बट शोल्डर के जॉइंट में, एल्बो के जॉइंट में, एंकल के जॉइंट में, इनमें टेंडन्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। टेंडन्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उनमें वियर एंड टीयर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन जॉइंट्स को ट्रीट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हमने टेंडोजोन फोर्ट में दिए हैं, दे आर द परफेक्ट मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने इसमें दिया एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है ब्रदर, और दिस इज द बेस्ट अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। दिस इज ए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, बॉडी कैन प्रिपेयर इट, बट ये फैट मास को रिड्यूस करता है, और ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को इंट्रा आर्टिकुलर रीजन में, मतलब ज्वाइंट के बीच में जो जगह है उस इंट्रा आर्टिकुलर रीजन में नाइट्रिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करता है। और जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, ये
इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, कहां? ज्वाइंट में। ये ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के काम आता है, बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड अमाइनो एसिड्स के कारण जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर को टेक केयर के लिए काम में आते हैं। अब आता है इसमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, दैट इज टाइप 2 कोलेजन पेप्टाइड। हमारी जो बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू बना है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन पेप्टाइड से बनता है। और कोलेजन पेप्टाइड दो तरह के होते हैं, 1 और 2। 90% कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में टाइप 2 कोलेजन पेप्टाइड से बनते हैं, और यह बॉडी में स्किन, बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यूज सभी को बनाने में हेल्प करते हैं। सो हमने इसमें डाला है कोलेजन पेप्टाइड 240 मिलीग्राम, विच हेल्प इन मेंटेनिंग द कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी। उसके बाद आता है सोडियम हाइलुरोनेट। सोडियम हाइलुरोनेट एक सॉल्ट है हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड एक सिंथेटिक केमिकल है जो सिन्यूविल फ्लूइड की तरह काम करता है। सिन्यूविल फ्लूइड की तरह उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी में दिया जा सकता है। ये सिन्यूविल फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब करने में, लुब्रिकेशन में ज्वाइंट की हेल्प करता है, और लुब्रिकेटेड ज्वाइंट जब होगा तो उसमें इन्फ्लामेशन की चांसेस कम होते हैं, रिपेयर फास्ट होती है और पेन कम होती है, और मोबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने इसमें डाला है कुंड्राइटिन सल्फेट। कुंड्राइटिन सल्फेट ये एक चेन है ग्लूकोज और प्रोटीन की, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसा माइनो ग्लाइकोजन्स या ग्लाइकोसा माइनो ग्लाइकोन्स। सल्फेट की चेन है जिसको जीएजी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, इसे कुंड्राइटिन चेन भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको कुंड्राइटिन चेन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स और ग्लूकोज की चेन के फॉर्म में बनाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये कुंड्राइटिन सल्फेट जो है ये कार्टिलेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कार्टिलेज इंप्रूव हो गई, आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसकी हम बात करते हैं, तो हमारे ज्वाइंट्स जो हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाएंगे और मोबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी। सो मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कोंड्राइटिन सल्फेट का बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम हाइलुरोनेट की, वो हो चुकी। विटामिन सी की, विटामिन सी बार बार हर प्रोडक्ट में हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं, तो विटामिन सी कोलेजन बिल्डर है। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज को बनाता है, और कनेक्टिव टिश्यूज आगे टिश्यूज को बनाते हैं, ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज सबसे बड़े, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं जो विटामिन सी जिसका बिल्डर है, और विटामिन सी एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेंडरजोन फोर्ट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल लाइक एल आर्जिनिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कोलेजन पेप्टाइड, सोडियम हाइलुरोनेट एंड विटामिन सी फॉर एंकल डिसऑर्डर, टेनिस एल्बो, टेंडनाइटिस एंड फ्रोजन शोल्डर। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। यू विल फाइंड दिस इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। एवरी ऑर्थोपेडिशियन प्रिस्क्राइब मोर देन 20-30 बॉक्सेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर, एंड दिस टैबलेट इज कॉस्टिंग जस्ट 22 rupees पर टैबलेट, अवेलेबल इन पैक साइज ऑफ 15 tablets। सो माई डियर फ्रेंड, बिलीव मी, यू कैन डू वंडर्स विद दिस प्रोडक्ट। स्टार्ट प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, अपडेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ। अपनी नॉलेज को अगर बढ़ा के आप बात करोगे डॉक्टर से, तो बिलीव मी, यू कैन डू वंडर्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।